मस्त ऑसम है, एक्टिंग भी अच्छी है, पर चार स्टार दे सकता हूँ। बस एक बात बोलनी है, ट्रस्ट नहीं करना रियली इसका भी कट चुका है ना, मैं कट नहीं, सबका कटेगा भाई, तेरा आगे मेरा पीछे, सबका बारी बारी कटने वाला है चुका है इसका। अच्छी है, हाँ हाँ अच्छी है। आहान शेट्टी से बहुत ज्यादा सुनील शेट्टी के बेटे होने की वजह से क्या लगा है वो एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा था? मेरे को तो पता नहीं था कि सुनील शेट्टी के बेटे है, बाद में मालूम पड़ा। नहीं अच्छी है, फर्स्ट मूवी लेकिन बहुत अच्छा था उनका परफॉर्मेंस। ओके स्टार्स कितना देना चाहिए? 5 थैंक यू। अच्छी, सुपर। आहान शेट्टी जो सुनील शेट्टी के बेटे हैं, सो कैसे लगी फिल्म तड़प? सुपर मूवी है, एक नंबर मूवी है। आहान शेट्टी का ये डेब्यू मूवी है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उनका जो एक्टिंग था बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने रोल को प्ले किया, सुपर। सुनील शेट्टी का सुनील हाँ, उनका थोड़ा चेहरा जो फेस है कभी कभी कहीं कहीं लगते हैं कि वो सुनील शेट्टी है, देखने को मिलता है जैसे लगता है कि वो 19 में जो सुनील शेट्टी दिखते थे सेम टू सेम दिखते हैं, और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दिया, और सॉन्ग बहुत अच्छे हैं, सारे सॉन्ग अच्छे हैं, मतलब मूवी में मेहनत अच्छा से किया गया। और किसकी एक्टिंग? एक्टिंग मेरे को अच्छा लगा अपना आहान शेट्टी और तारा सुतारिया का, दोनों का परफॉर्मेंस अच्छा है। सौरभ शुक्ला का डैडी का जो कैरेक्टर उनका, उन्होंने भी अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से निभाया, बहुत अच्छा बोल सकते हैं, मतलब कि रीमेक ऐसे ही रीमेक करनी चाहिए। RX 100 का जो रीमेक है ये सुपर तरीके से रीमेक किया, मिलन लुथरिया ने जो डायरेक्शन किया कोई कमी नहीं है, सुपर, ऑडियंस को बहुत पसंद आने वाली है। और खासकर मैं तो यही बोलूँगा ना, 2021 का बेस्ट डेब्यू अवार्ड दे दो आप आहान शेट्टी को, सुपर। हाँ जी हाँ, उन्होंने भाईजान भी सलमान खान ने भी सपोर्ट किया था, रात में ट्वीट्स किए थे उन्होंने कि आप जिस तरह से आप मेरी मूवी अंतिम को सपोर्ट किया उसी तरह से आहान की मूवी तड़प को सपोर्ट करो, तो भाईजान का फैन जितने हैं उनको सपोर्ट जरूर करेंगे। देखो आज पूरी सिनेपोलिस अंतिम में फुल नहीं था जितना तड़प में फुल है, ऑडियंस देखने को मिल रही है। मैं ये मूवी को 3 स्टार दूंगा, और आहान शेट्टी का परफॉर्मेंस को और तारिया सुतारी को 5 out of 5 दूंगा मैं। तड़प देख क्या, मैं बस यही दुआ करूँगा बंदा कोई ऐसा तड़पे नहीं, ना लड़का तड़पे ना लड़की तड़पे, रियली हाज अ रोमांटिक मूवी, काफ़ी मैं पसंद करता हूँ, लाइक काफ़ी यंगस्टर्स भी आए थे थिएटर, काफ़ी देर बाद पैक्ड आउट लगा, वी ऑल एंजॉय द मूवी, जो उसमें लव रोमांस, इमरान हाशमी किसिंग के सीन भी काफ़ी हमें लग रहा है कि किस नया इमरान हाशमी ना पैदा हो गया सीरियसली यार। असेंबल ही रियली फिट द वेलकम द बॉलीवुड आहान शेट्टी, यू रियली डिजर्व दिस मूवी यार, इससे अच्छा और कोई डेब्यू नहीं मिला, जैसा कहो ना प्यार ऋतिक रोशन को मिला, मेरे ख्याल से बंदे को भी अच्छा काफ़ी डेब्यू मिल गया, और इतने बड़ा द बैनर के अंदर शादी नारियाल एंड ग्रैंडसन, इट्स रियली बिग बैनर फॉर हिम। डेफिनेटली जो बंदा बॉडी लुक हाइट वेट सब कुछ वैसे ही दिख रहा था, बस थोड़ी हल्की सी दाढ़ी थोड़ी शेव होती जो थोड़ा, इट्स डजंट मैटर, जो स्क्रिप्ट की जो डिमांड थी बंदे ने बहुत अच्छी तरह से डिलीवर किया है, अपना पैकेज जो भी है होमवर्क उन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया, ही हैड गिवन हिज बेस्ट शॉट इन दिस। सलमान खान ने मैंने ये भी देखा बच्चे के साथ उसका फोटो, बच्चे को किस किया, ऑब्वियसली उसी थोड़ा बच्चे की तरह ही हो गया, सो लाइक, और उसमें जो नेगेटिव जो रोल है तारा का, लाइक गुप्त पिक्चर का याद आ गया, जो विलन कैसे रोल करती है, कैसे लाइक हाँ टाइम पास दिस एंड एवरीथिंग, वो गोवा का सीन जैसा जो लग रहा था, वो लोग पार्टी वार्टी कर रहे हैं दिस एंड एवरीथिंग, फिर लाइक डैडी का रोल भी काफ़ी अच्छा लगा मूवी, यू एंजॉय द मूवी, आप सस्पेंस जब तक सस्पेंस है आप बहुत एंजॉय करोगे मूवी में। ओके 5 में से 4.5 आई विल गिव 4.5 एज अ ऑडियंस, यू विल एंजॉय द मूवी। हाँ मैम मूवी सही है, अच्छी है एकदम, ठीक ठाक है। हाँ उनके डायलॉग में जब अनय शेट्टी जब दहाड़ मारती है तो वो सुनील शेट्टी की जैसा आवाज़ लगता है कहीं कहीं। हाँ पहली मूवी है लेकिन एक्टिंग उन्होंने अपनी अच्छी की है, तारा सुतारिया हीरोइन है लेकिन उन्होंने विलन का रोल किया है, पूरा विलन का रोल। सॉन्ग्स अच्छे हैं, बी पार्क का सॉन्ग है इश्क ना हो इश्क, वो भी अच्छा है, डीनो जेम्स को पहला मौका मिला है मूवी में सॉन्ग गाने का, उन्होंने भी अच्छी रैप की है, स्टोरी है वो पहली है लेकिन अच्छी है खास। हाँ रिमेक है, हाँ उसके हिसाब से फिर भी बेहतर है। ओके कितना स्टार देना चाहिए? मैं 4.5 में से 4.4 पिक्चर का नाम तड़प है लेकिन कहीं भी तड़प दिखाई नहीं दी हमको। अच्छा
नहीं लगी क्योंकि स्टोरी बराबर नहीं है, डायरेक्शन बराबर नहीं है, सिर्फ गाने बहुत अच्छे हैं, म्यूजिक अच्छा है और मसरू के लोकेशंस अच्छा है, बहुत ज़्यादा वायलेंस है, एक्चुअली सेंसर बोर्ड ऐसा वायलेंस अलाउ नहीं करना चाहिए। ओके, आहान शेट्टी जो सुनील शेट्टी के बेटे हैं, आपको लगता है जस्टिस कर पाए हैं, सुनील शेट्टी कहीं ना कहीं नज़र आए उनके जरिए पर्दे पर? थोड़ा बहुत। ओके, तारा सुतारिया और आहान शेट्टी ऑन स्क्रीन कैसे? तारा सुतारिया का एक्चुअली हीरोइन है, उसमें विलन का रोल दिया है उसको, क्लाइमेक्स बराबर नहीं है इसके लिए। तो 5 में से कितना स्टार देना? 2। थैंक यू। जी, कैसी लगी फिल्म आपको? मुझे ओवरऑल अच्छी लगी। फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो पेस था और अच्छा हो सकता था, लेकिन सेकेंड हाफ वॉज वेरी इंटेंस, वेरी ग्रिपिंग, वेरी एंगेजिंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट्स वर्थ वॉचिंग। ओके, सुनील शेट्टी के बेटे हैं। ओ माई गॉड, सच ए ग्रेट स्क्रीन प्रेजेंस, सो कॉन्फिडेंस, सो प्रॉमिसिंग, सो टैलेंटेड। मुझे पहले लगा था कि थोड़े स्टिफ होंगे, ट्रेलर देख के नहीं लगा था, बट ही इज सो कॉन्फिडेंट और इतना अच्छा स्क्रीन प्रेजेंस, इतने अपीलिंग है, तो आई थिंक ही हैज़ अ ग्रेट फ्यूचर इन बॉलीवुड, बिकॉज कंसिडरिंग हिज फर्स्ट मूवी ही साउंड सो कॉन्फिडेंस, डजेंट लुक लाइक हिज फर्स्ट मूवी। उनकी झलक नज़र आई, सो मच रिजेंबलेंस एंड मतलब एक्टिंग बहुत ही अच्छी करते हैं। बहुत ही इंटेंस रोल है उनका, पहले हाफ में बहुत ही रोमांटिक हीरो जैसी इमेज है, और सेकेंड हाफ में जो वेंजेंस की वजह से इंटेंस लुक है वो बहुत अच्छे से उभर के आई। तारा सुतारिया इज़ वेरी चार्मिंग एंड वेरी ग्रेसफुल, वेरी एंडियरिंग, एंड आई थिंक दोनों का केमिस्ट्री बहुत ही अच्छा है। इवन दो लास्ट में थोड़े ट्विस्ट और टर्न्स हैं, क्लाइमेक्स बहुत ही थ्रिलिंग है, बट इट्स अ गुड पैकेज। द फैक्ट दैट इट वॉज अ हाउसफुल स्पीक्स वॉल्यूम्स, कि लोगों को ट्रेलर पसंद आया, लोगों को आहान शेट्टी, आहान शेट्टी इज़ जस्ट माइंड ब्लोइंग। मैंने साउथ इंडियन वर्जन नहीं देखा है, बट जो हिंदी वर्जन है आई थिंक इट्स एप्ट। सिर्फ मुझे एडिटिंग लगा कि थोड़े सीन्स अगर क्लिप हो जाते, लॉट ऑफ रैंडम शॉट्स स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ, पॉलिटिक्स वगैरह दिखाया है, रोमांटिक स्टोरी थी तो उस पर ही फोकस करना चाहिए था, क्योंकि इंडियन ऑडियंस को मद्देनजर रखते हुए, बट अदरवाइज इट वॉज ओके, क्वाइट एंटरटेनिंग। बिकॉज ऑफ फर्स्ट हाफ 3 स्टार्स, बट आहान शेट्टी को 4 स्टार्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरे को लेट हो रहा है, प्लीज। कितना स्टार देना चाहेंगे? 4। प्यार व्यार धोखा है, ट्रस्ट नहीं रखना प्यार पे, गरीब दम नहीं है। अच्छा पिक्चर है, सुनील शेट्टी के बेटे हैं, एक्सपेक्टेशन पर खरे उतर पाए हैं, सुनील शेट्टी कहीं ना कहीं नजर आए आहान शेट्टी में? अच्छा, और स्टोरी कैसी लगी? एकदम अच्छी है, आजकल के लड़के लोगों को एकदम अच्छा है करने के लिए, सीखने के लिए अच्छा है। अच्छा, क्या सीखती है आपको? इतना ही कि लड़के लोगों ने अच्छा, सामने वाले के अच्छा सही प्यार करना चाहिए और सामने वालों को सही बताना चाहिए, बस इतना ही। ओके, 5 में से कितना स्टार देना चाहिए? 5 देना चाहिए बस। थैंक यू। तो देखा आपने, हमने लोगों से जाना कि उनको फिल्म तड़प कैसी लगी, और हर किसी का कहना तो यही है कि उन्हें फिल्म तड़प बहुत अच्छी लगी। जहां एक तरफ आहान शेट्टी से उम्मीदें की जा रही थी, वहीं सभी ने यही कहा है कि आहान शेट्टी बहुत खरे उतरे हैं इस फिल्म के अंदर अपने एक्टिंग वाइज। वेल, तारा सुतारिया को विलन के रोल में देखना काफ़ी एक्साइटिंग तो होगा ही, क्योंकि उनको इस अवतार में पहले कभी नहीं देखा गया। तो इसी तरह जितने भी लोगों से हमने पूछा, सभी का कहना ये है कि 5 में से 3, 3.5 या 4 स्टार्स वो देना चाहेंगे। तो अगर आपने भी तड़प देखी है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताना मत भूलिएगा कि आपको फिल्म तड़प कैसी लगी। कैमरामैन अजय जायसवाल के साथ सैयद शादमा साइनिंग ऑफ।